काकड़ी के ऊपर विचार करना है हमारे को। काकड़ी का सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है, तो चलो थोड़ा थोड़ा सा मैं बताता हूँ, अभी जितना मैं बता सकता हूँ। काकड़ी के अंदर क्या होता है, काकड़ी के अंदर जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं या हिंदी के अल्फाबेट होते हैं, दोनों के अनुसार वर्ग में बांटा जाता है अल्फाबेट्स को, और उन वर्गों को डायरेक्शन दी जाती है, उसको बोलते हैं काकणी विचार। ठीक है, काकणी विचार। अब ए ए वर्ग के अंदर जो अल्फाबेट आते हैं, आठ विभाजन होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन आठ होती है, मेन डायरेक्शन तो आठ ही होती है, और उन आठ के अंदर उसका विभाजन किया जाता है। ठीक है जी। अब आठ के अंदर जो पहला आता है इसके अंदर, जो पहला अक्षर आता है वो आता है ए। पहला अक्षर आता है ए। ए स्टैंड करता है ईस्ट को, ए स्टैंड करता है ईस्ट को, और ईस्ट को स्टैंड करता है उसके अंदर जो वर्ग आते हैं, जो ए के साथ, ए मेरे पास ये एक नुको, मेरे पास स्लाइड भी है। A-E-I-O-U. हाँ सर, ए ए आई A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. यू, तो ये एक मिनट मेरे पास बबल्स, टेक्स्ट भी है। बबल्स, ये बबल्स, तो बबल्स बॉबल्स हैं. हो गए, बॉबल्स वाले आते हैं, बिल्कुल ठीक है। A-E-I-O-U. हाँ, मेरे पास स्लाइड निकालता हूँ मैं एक मिनट इसके। या एक नंबर AIJYQ ऐसे क्या? मैं एक मिनट, स्लाइड है मेरे पास, इसकी मैं निकालता हूँ, एक मिनट इसको दें आप। नामक्षर बोल रहे सर कि न्यूमरिकल बोल रहे है ना? नामक्षर नाम अक्षर बोल रहे हैं बोल रहे ना, ये, लो न्यूमरिकल या नहीं गया, सर. ये आ गया। अब आप इसमें देखेंगे, ए ए जो वर्ग है, ए वर्ग के लिए ये सारे अक्षर, ठीक है, इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है गरुड़। गरुड़ को इसका लॉर्ड बोला जाता है, और ईस्ट किसकी डायरेक्शन मानी जाती है, इसको बोलते हैं काकनी विचार। इसे बोलते हैं काकनी विचार, काकी नी काकनी विचार, सर क्या क्या है इसमें? कि ये कौन सा कंट्री, कौन सा रीजन, कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी, टाउन, लोकेलिटी, किस राशि के नाम से उसके लिए ये उपयोगी रहेगी, क्या नाम उसके लिए लाभकारी, उसके विचार करने के लिए इसको ऐसे किया जाता है, काकड़ी विचार। काकड़ी विचार का चैप्टर लंबा है, हम अगली बार भी करेंगे। तो यानी कि किसी व्यक्ति का देश प्रदेश निकालना है, सिटी विटी का ज्ञात करना है, तो ये निकाल सकते हैं कि हमारे उस व्यक्ति के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो ये अभी इस पे आगे करते हैं, इस पे तो पहले ही समझ लेते हैं, एक से लेकर का वर्ग जो होता है वो दर्शाता है बिल्ली को, कैट को, माजार को, मरजार को दर्शाता है, और उसकी जो डायरेक्शन मानी जाती है ईस्ट, साउथ ईस्ट मानी जाती है। आ इसमें आता है क, क ख ग ग हाँ वो ठीक है. अड़ा, गा हाँ ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है चा, चावर। चावर जो है शेर को दर्शाता है, और साउथ इसकी डायरेक्शन मानी जाती है। तो चा के अंदर आता चा छ ज झ त्र नहीं, चाचा जा जा ना, ना चाचा जा ना. ना, ये तीसरे नंबर पे आता है साउथ में। चौथे पे आता है ता, चौथे पे आता ता, ता तो ता मैं बोलता हूँ ता ता फॉर ठा टमाटर, डा ढा ता ना, ठा ड ना, ता ठा डा ढा ना. हाँ मतलब थोड़े तीन चार आते शुरू। सर यहाँ पे टी त आएगा, तलवार का त आएगा, यस टमाटर का ट यस, नहीं आएगा, नेक्स्ट में टमाटर का आएगा, स्नेक में तो टमाटर अच्छा का ट आएगा, हॉर्स में एक तलवार का त आएगा. मिनट है. ता था दा दा ना, यस सर, ता था दा, था यस सर. दा धा ना, द द दरवाजे का स्नेक आएगा, में, हाँ ठीक है, राइट, यू राइट, द धरती का, द धरती का आएगा, और न न. हाँ ताफा तलवार है ये वाला, ये यस ताफा यस तलवार सर, है, यस साउथ सर, वेस्ट यस इज सर, ताफा तलवार, साउथ वेस्ट यस सर. दैट इज घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स हाँ यहाँ इतना। पे टमाटर का ट आएगा. यहाँ अब पांच नंबर पे टमाटर का ट आएगा, ट ठा हाँ डा
यहाँ पे आएगा वेस्ट स्नेक सांप। छह नंबर प प फ ब भ फ ब भ म म प फ ब भ म करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे आएगा रेड रेड मुशुक मुशुक नॉर्थ वेस्ट मुशुक नॉर्थ वेस्ट। अब सात नंबर पे आएगा नीचे जाएगा स हेयर में जाएगा तीनों हेयर में जाएगा आंट में जाएगा। सर ये नेम लेटर है जैसे मेरा नाम श्वेता है तो एफ एच होगा ये तो नॉर्थ ईस्ट होगा ऐसा है क्या? श्वेता श्वेता का नाम किस वर्ग में आएगा आप फाइंड आउट करें श्वेता का एफ एच में आया एफ एच डब्ल्यू लिख मेरा है नेम तो वो कहाँ आएगा आठवें वर्ग में आएगा लास्ट वर्ग आठ लास्ट में वर्ग हो गया ना नॉर्थ ईस्ट आठ में ये आएगा मे ये आएगा भेड़ हेयर मेष भेड़ एरीज शीप। हाँ जी एरीज तो है मेरा वैसे नॉर्थ ईस्ट भेड़ हो गया ना गुड ठीक है। ये इसकी टेबल है इसे ये काकणी विचार की टेबल है ये इसे हम काकणी विचार करते हैं ठीक है। काकड़ी विचार के अंदर आगे का विचार करने करेंगे हम इसको अब इसको हम देखेंगे काकड़ी विचार की अंक संख्या निकाली जाती है काकड़ी विचार की अंक संख्या निकाली जाती है ठीक है। काकड़ी विचार की अंक संख्या कैसे निकलती है काकड़ी विचार की अंक संख्या का फॉर्मूला है वर्ग संख्या नंबर वर्ग संख्या नंबर जो पर्सन का वर्ग है उसका संख्या नंबर को दो से गुणा करेंगे वर्ग संख्या नंबर दो प्लस वर्ग संख्या ऑफ प्लेस दो चीज होती हैं एक होता है वर्ग इंसान का एक होता है वर्ग जगह का दो वर्ग होते हैं तो हम ये निकालने के लिए वर्ग संख्या इंसान का वर्ग संख्या ऑफ पर्सन गुणा दो वर्ग संख्या ऑफ प्लेस ठीक है। वर्ग संख्या ऑफ पर्सन गुणा दो प्लस वर्ग संख्या ऑफ प्लेस डिवाइड बाई एट से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जगह इंसान के लिए उत्तम है या उत्तम नहीं है। अब सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए इसे जी मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं जी वर्ग संख्या ऑफ पर्सन गुणा दो प्लस वर्ग संख्या ऑफ प्लेस डिवाइड बाई आठ ये फॉर्मूला बना ठीक है। वर्ग संख्या ऑफ पर्सन वर्ग संख्या ऑफ पर्सन और वर्ग संख्या ऑफ प्लेस डिवाइड बाई आठ डिवाइड बाई आठ दोनों को मिलाकर पर्सन को मल्टीपल करना है पर्सन का मल्टीपल करना है पर्सन का मल्टीपल करना है टू से प्लेस का रहेगा सिंगल सर पर्सन को मल्टीपल टू हाँ मल्टीप्लाई टू यस और प्लेस को एज इट इज हाँ जी डिवाइड इट लेना है दोनों को ऐड करना है दोनों को प्लस करना है यस और डिवाइड बाय एट वर्ग नंबर ऑफ पर्सन इंटू टू प्लस वर्ग ऑफ प्लेस वर्ग संख्या ऑफ प्लेस ठीक है नंबर ऑफ प्लेस डिवाइडेड बाय आएगा इस आंसर को बोलेंगे ये जो फॉर्मूले से आंसर निकाला इस आंसर को बोलेंगे हम दिस इज कॉल्ड काकणी संख्या फॉर पर्सन इसे बोलेंगे काकणी संख्या फॉर पर्सन ठीक है जी इस फॉर्मूले से। अब एक और फॉर्मूला लिखिए
अब की बार जो फॉर्मूला लिखेंगे इसको दिस इज कांकणी संख्या ऑफ प्लेस पर्सन पर्सन मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ करेंगे ये अगली बार ठीक है अब तक ये काकड़ी संख्या ऑफ प्लेस अब निकालेंगे काकड़ी संख्या ऑफ प्लेस उसका फॉर्मूला बनेगा काकड़ी संख्या ऑफ प्लेस का फॉर्मूला बनेगा वर्ष संख्या ऑफ प्लेस मल्टीप्लाई टू वर्ष संख्या ऑफ प्लेस मल्टीप्लाई टू प्लस वर्ष संख्या ऑफ पर्सन डिवाइड बाई एट काकड़ी संख्या ऑफ पर्सन निकालनी है सॉरी काकड़ी संख्या फॉर प्लेस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला वर संख्या प्लेस मल्टीप्लाई टू प्लस वर संख्या ऑफ पर्सन डिवाइड बाई एट वर संख्या ऑफ पर्सन पर्सन डिवाइड बाई एट इसकी आवाज आ रही है बहुत जोर से सर वर्ग संख्या ऑफ प्लेस मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वर्ग संख्या ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई एट ये दो फॉर्मूले निकालेंगे इन दो फॉर्मूले निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे काकड़ी विचार करेंगे जो नंबर ज्यादा हुआ वो अब दोनों का नंबर आएगा यानी कि पर्सन का भी आएगा काकड़ी संख्या पर्सन की आई काकड़ी संख्या प्लेस की आई जिसकी नंबर ज्यादा आया वो कम वाले का ऋणी है यानी कि कम वाले को देगा मतलब काकड़ी संख्या पर्सन की ज्यादा आई और काकड़ी संख्या प्लेस की आई तो पर्सन जो है जगह का ऋणी है वो जगह को देगा और अगर संख्या ज्यादा प्लेस की आई पर्सन की संख्या कम आई तो प्लेस जो है जब व्यक्ति का ऋणी है वो प्लेस इंसान को देगी इंसान की ऋणी हुई बेनिफिशियल वो बेनिफिशियल हुआ इसका ये मतलब हुआ कि हमेशा प्लेस की काकड़ी संख्या ज्यादा होनी चाहिए इंसान की काकड़ी संख्या से अगर वो जगह उसको बेनिफिशियल चाहिए तो ये बात क्लियर है यहां तक इसका काम करेंगे अगली बार